शुरू करें डांस स्टूडियो का बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई। अपने पैशन को एक ऊंचे मकाम पर पहुंचाकर सफलता पाना हर किसी का सपना होता है। आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं वो डांस से जुड़ा है। पुराने जमाने से ही डांस को एक बेहद ही खूबसूरत कला के तौर पर माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में कई तरह के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म काफी फेमस हैं। कई ऐसे नए डांस फॉर्म्स भी हैं जो भारत के युवाओं के बीच अपनी जगह बना चुके हैं। अगर आप भी एक पैशनेट डांसर की कैटेगरी में से एक हैं और अपने पैशन को लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि कैसे अपने डांस के टैलेंट को आप डांस स्टूडियो के जरिए कमाई के अच्छे अवसर में बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बिजनेस के नाम का चुनाव। डांस स्टूडियो के लिए आपको एक अच्छे नाम की जरूरत होगी। एक अच्छा और आकर्षक नाम ज्यादा लोगों को आपके बिजनेस की ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब भी आप अपने डांस स्टूडियो के लिए नाम का चुनाव करें तो ध्यान रखें कि डांस स्टूडियो का नाम ऐसा होना चाहिए जो डांस कला से जुड़ा हो और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम करे। जगह का चुनाव। हर दूसरे बिजनेस की तरह ही आपको डांस स्टूडियो के लिए भी एक ऐसी लोकेशन का चुनाव करना होगा जहां पर डांस को प्रेफरेंस देने वाले लोग हों, मार्केट या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर लोगों का आना जाना लगातार होता हो। साथ ही ऐसी लोकेशन जहां पर आपके डांस स्टूडियो पर सभी लोगों की नजर आसानी से पड़ सके। निवेश कितना होगा। ये बिजनेस अगर आप अपने घर से शुरू करते हैं तो इसकी लागत ना के बराबर ही रहेगी, लेकिन अगर आप इसे बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जगह लेनी होगी, किराए पर या खरीद कर, जहां आप ट्रेनिंग दे सकें। साथ ही आपको फर्नीचर, म्यूजिक सिस्टम और लैपटॉप की जरूरत होगी। इन सभी चीजों को मिलाकर कुल लागत लगभग 1 से 1.5 लाख तक आ सकती है। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। बिजनेस अगर छोटा हो और घर से ही किया जा रहा हो तो इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको इसके नाम और लोगों को रजिस्टर कराना होगा। साथ ही आपको GST नंबर लेना होगा। आप अपने बिजनेस को सोल प्रोप्रिएटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या फिर पार्टनरशिप में भी रजिस्टर करा सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करें। आप अपने डांसिंग बिजनेस की मार्केटिंग अपने सोशल मीडिया हैंडल से तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर डांसिंग वीडियो डालकर लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। आप अलग अलग जगह जाकर अपने शोज कर सकते हैं, कॉलेज, स्कूल, कैफे आदि में, जिसे देखकर आपके क्लाइंट की संख्या बढ़ सकती है। आप अपने बिजनेस के पंपलेट बंटवाकर या फिर होर्डिंग्स लगवाकर भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे लोग आपके बिजनेस को आसानी से ढूंढ सके। अगर आप में भी टैलेंट है तो उसे बिजनेस में बदल कर कमाए अच्छा मुनाफा और आज ही से शुरू करें अपना खुद का डांस स्टूडियो। तो देर किस बात की, जल्दी से सोच समझ कर योजना बनाइए और अपने हुनर को बिजनेस में तब्दील कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।